पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकारी अव्यवस्था की वजह से लाखों टन गेहूं बिक गया, जिससे करोड़ों का नुकसान भी हुआ। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोरोना के कारण खरीदी में देरी जरूर हुई है, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड 125 करोड़ मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। निसर्ग तूफान के कारण बारिश आई थी, लेकिन किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात सही है कि अभी कुछ गेहूं बाहर रखा हुआ है, उसको सुरक्षित करने के लिए पूरा अमला लगा हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाए। बहुत कम मात्रा में गेहूं गोदामों तक न पहुंचने की बात भी सामने आई है, लेकिन किसानों को उनके उपार्जित गेहूं का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिलों में गेहूं परिवहन का कार्य पूरा हो गया है, वहां के वाहनों को अन्य जिलों में भेजा जाए। कमिश्नर व कलेक्टर को गेहूं के शत प्रतिशत भंडारण के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गेहूं भीगने पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान आज भी खरीदी केंद्रों पर लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। कहीं पर बारदाने की कमी है तो कहीं परिवहन की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर तुलाई नहीं हो रही है तो कहीं खरीदा गया गेहूं और चना खुले में पड़ा है। निसर्ग की चेतावनी के बावजूद सरकार ने परिवहन और भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं की। इससे पिछले दो दिनों में बारिश के कारण लाखों टन अनाज भीग कर खराब हो गया। उन्होंने मांग की है कि जब तक सभी किसानों से पूरा गेहूं खरीद नहीं लिया जाता, तब तक खरीदी चालू रखें। बारिश में भीगा हुआ गेहूं भी खरीदा जाए। खरीदी केंद्रों पर बारदान और अन्य व्यवस्थाओं को दूर करें।